फाइन दोस्तों, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जो है कल यानी कि 28 फरवरी को यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली है। बाकायदा इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें जो है अगर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर दुरुस्त हैं तो आपकी 16वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में ज़रूर आ जाएंगी। हालाँकि यहाँ पर आप जानते हैं कि हर 4 महीने पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसे में आपका यहाँ पर जो है ई KYC और आपके खेतौनी बैंक आधार लिंक स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। आपका सही प्रकार से यहाँ पर ई KYC वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को किसान सम्मान निधि 16वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में ट्रांसफ़र की जाती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के भूलेखों का अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग एवं पीएम किसान पोर्टल पर ई KYC का काम होना जरूरी, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के आपके यहाँ पर पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस देखने के लिए आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए या नहीं उसे आप यहां पर साइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 28 फरवरी 2024। तो अपने इंस्टॉलमेंट की स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर आना फार्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर देखिए नो योर स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आकर के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना होगा और एक कैप्चर कोड डाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे तो आपका जो है यहाँ पर पूरा हिस्ट्री निकल के चला आएगा, अन्यथा आप यहाँ बेनिफिशरी लिस्ट में भी आकर के इसे आप देख सकते हैं। बेनिफिशरी लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी स्टेट है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट कर लेने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट लगता होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लॉक आ गया है, आपका ब्लॉक क्या लगता है उसे आपको यहाँ पर आकर के सिलेक्ट कर लेना है। अब ब्लॉक सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर विलेज का ऑप्शन आ गया है, जो आपका गाँव है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों इस गांव में जितने भी फार्मर हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है उनकी पूरी लिस्ट यहां पर निकल के आ जाती है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में नाम आते ही दोस्तों यहां पर देखिए कई नंबर तक आप अपना नाम इसमें आकर के अपना खोज सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो कन्फर्म है कि आपकी यहाँ पर जो है 16वीं किस्त आपके खाते में ज़रूर आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड अन्य सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल करें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले मिलती रहे।